स्थानीय नाला नगर परिषद उपाध्यक्ष राधा चौहान ने जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित आदिम जाति बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जहां मेन गेट पर ताला लगा मिला। गार्ड महिला बाजार सामान लेने गई थी। गार्ड महिला की अनुपस्थिति में अंदर मौजूद बालिका द्वारा गेट का ताला खोला गया। बालिका से गार्ड महिला के बारे में पूछा गया तो बालिका ने बताया कि सामान लेने वह बाजार गई है। थोड़ी देर बाद गार्ड महिला छात्रावास में पहुंच गई। गार्ड वहां मौजूद स्टाफ के साथ नगर परिषद उपाध्यक्ष राधा चौहान ने छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां पर अधीक्षिका नदारद मिली। स्टाफ द्वारा अधीक्षिका को दोपहर 1 बजे फोन पर बात की गई तो अधीक्षिका ने बताया कि मैं अपने निवास पिछोर में ही मौजूद हूं। उपाध्यक्ष द्वारा पूछा गया कि अधीक्षिका जब मैं अपने घर जाती है तो कार्यालय का ताला लगाकर चाबी किसको देकर जाती है। वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि वह चाबी वह अपने साथ ले जाती है। और जब खाने का मेन्यू के बारे में पूछा गया तो स्टाफ ने बताया कि खाने का मेन्यू अधीक्षिका अपने ऑफिस में ही रखे रहती है। उपाध्यक्ष ने पूछा कि खाने का मेन्यू को दीवार पर लिखा होना चाहिए। स्टाफ का कहना है कि अधीक्षिका ने नहीं लिखवाया। और साथ ही उपाध्यक्ष को छात्रावास में प्राथमिक उपचार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था दिखाई नहीं दी, जो वहां पर होना चाहिए। ऐसे में अगर बच्चियां बीमार होते हैं तो वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, जहां उपचार के बाद दवाई लेकर छात्रावास वापस लाया जाता है। इस पर नगर परिषद उपाध्यक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आगे जब भी आऊंगी तो मुझे पूरी व्यवस्था यहां मौजूद चाहिए। आप यह बात अधीक्षिका से कह देना। जब वहां मौजूद स्टाफ ने यह भी बताया कि बच्चियों को एक ही विषय गणित को पढ़ाने के लिए सर आते हैं। नगर परिषद उपाध्यक्ष ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि बालिका छात्रावास में पुरुष वर्जित है तो फिर यह सर कैसे पढ़ाने आते हैं। वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि इसका जवाब अधीक्षिका ही दे सकती है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। आपने अभी निरीक्षण किया, इसमें आपको क्या कमी लगी? पहली कमी तो यह है कि अध्यक्ष नहीं मिली, और सबसे फर्स्ट जब एंट्री हुई है तो वहाँ चौकीदार नहीं था, बच्ची ने गेट खोला, ये सबसे गंदा हुआ है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सबसे गलत पॉइंट है। तो अभी चली गई, गेट पे नहीं थी, भले वो बाजार गई कहीं भी गई, बच्ची गेट खोलती है तो उसकी सुरक्षा वहाँ कहाँ मिलती है, ये सबसे गलत है। और किचन में भी कुछ बना हुआ नहीं मिला, एक बच्ची है उसके लिए खाने को उनने अपने घर से नाश्ता दिया है, बाकी मतलब उनके किचन में कुछ नहीं बना है अभी, खाने का टाइम है पर खाने का मेनू अभी नहीं मिला है मुझे, और खाने का मेनू भी नहीं मिल रहा, तो उससे पता चलता है कि उनको क्या मिलता है खाने में, तो उनका कैसे पूरा पोषण मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। बाकी सब ठीक है, और टॉयलेट थोड़ा गंदा मिला है, साफ सफाई की वजह से देखा जाए तो मतलब और की अपेक्षा थोड़ा कम गंदा है, पर ठीक है। सफाई वगैरह आपको सही लगी यहाँ पे? सफाई रूम की ठीक है, लेकिन किचन और टॉयलेट साफ नहीं है।